अगर आपको पबजी गेम पसंद है तो ये दो डिवाइसेस आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। एक तो है पोको F1 स्मार्टफोन जो खास हाई एंड गेम्स के लिए बनाया हुआ है, और दूसरा है ये खास किस्म का ट्रिगर जो पबजी गेम के लिए बना हुआ है। ये ट्रिगर आपको पड़ेगा तकरीबन 250 रुपए के आसपास। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है खास किस्म का ट्रिगर जो पबजी गेम के लिए बनाया हुआ है। ये छोटा सा बॉक्स पैकिंग है और ये जो ट्रिगर है, ये जो पबजी गेम है, इसे और भी मज़ेदार बना देता है, एक्यूरेसी बढ़ा देता है। तो बॉक्स के अंदर आपको ये दो ट्रिगर्स मिलते हैं, बस इतना ही है। छोटा सा बॉक्स पैकिंग है और इसके ऊपर कहीं भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। सारा का सारा इन्फॉर्मेशन चाइनीज़ में है, आपको किस प्रकार से इसका उपयोग करना है कोई भी डिटेल्स नहीं बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको जो डिटेल्स है इस वीडियो में बता दूंगा। ये जो ट्रिगर है, इसे आपको आपके स्मार्टफोन के स्क्रीन के ऊपर लगाना है और ये देखिए, ये बटन प्रेस करते ही ये जो भाग है दब जाता है और स्क्रीन पर टच होगा। एक तरह से ट्रिगर का काम करता है। इसे लगाना बहुत ही आसान है, मैं आपको बता दूंगा, और इसका मैकेनिज्म भी काफ़ी सिंपल है। ये देखिए, ट्रिगर को प्रेस करते ही ये जो भाग है आपके स्क्रीन पर टच होगा। तो बहुत ही छोटा सा डिवाइस है और सबसे पहले तो मैं इसे सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस पर अटैच करने की कोशिश करता हूँ। आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप इसे सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस पर लगा सकते हैं। वैसे जो ट्रिगर है, आप कोई भी स्मार्टफोन्स के ऊपर लगा सकते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के स्मार्टफोन्स पर ही लगाना है, लेकिन इसे लगाते समय कुछ समस्या आ सकती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, पहली समस्या ये है कि अगर आप इसे बटन के ऊपर लगाएंगे तो प्रॉब्लम आने वाला है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, बहुत ही आसान है। इसे उल्टा कर दीजिए इस प्रकार से। तो जैसे मैंने इसे उल्टा कर दिया है सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं आसानी से ये जो ट्रिगर बटन है इसे लगा सकता हूँ। ये देखिए, कोई इशू नहीं है। पहले तो आप ट्रिगर बटन का जो पोजीशन है उसे सेट कर लीजिए, उसके बाद में जो ट्रिगर बटन है इसे प्रेस करके देख लीजिए कि अच्छे तरीके से काम कर रहा है या नहीं। प्रेस करते ही स्क्रीन पर थोड़ा सा जो भाग है वो दब जाता है। एक तरह से इनपुट जो है इस ट्रिगर बटन से मिलने वाला है। एक ही बात है, आप टच करें या ट्रिगर बटन का उपयोग करें। ये देखिए, ये क्लिप जो है इसे नीचे प्रेस कर दीजिए और ये जो ट्रिगर बटन है अब ये लॉक हो गया है। अगर आप चाहें तो जो दूसरा ट्रिगर बटन है उसे भी लगा सकते हैं ऊपर की तरफ कहीं भी यहाँ पर, लेकिन मैंने इस ट्रिगर बटन को पहले सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस पर इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि इसका जो पीछे का भाग है ये ग्लास है और देख सकते हैं कि अच्छा ग्रिप नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा हिल जाता है। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा अगर आप इसे ऐसे स्मार्टफोन पर उपयोग कर रहे हैं जिसका जो बैक है वो ग्लास से बना हुआ है, क्योंकि ग्रिप नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप ये जो भाग है इसे ज़्यादा हिलाएंगे नहीं और सिर्फ ट्रिगर बटन का ही उपयोग करेंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अब मैं इस पोको F1 स्मार्टफोन पर उपयोग करने वाला हूँ, इसका जो पीछे वाला भाग है इस पर अच्छा ग्रिप मिलने वाला है। और देख सकते हैं ये जो भाग है, यहाँ पर कोई भी बटन्स नहीं है, तो जाहिर है कि जो ट्रिगर बटन है उसे मैं इसी भाग में लगाने वाला हूँ जहाँ पर ज़्यादा बटन्स नहीं है। लेकिन ये ट्रिगर बटन लगाने से पहले आपको कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सेटिंग्स ऑप्शन में जाइए और कंट्रोल का ऑप्शन है उस पर टैप कीजिए। ये देखिए, यहाँ पर कंट्रोल का ऑप्शन है और यहाँ पर आपको कस्टमाइज ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर टैप कीजिए और यहाँ पर आप जितने भी बटन्स हैं उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिलहाल ये लेआउट 1 पर सेट किया हुआ है, मैं लेआउट 2 पर रख देता हूँ ताकि जो भी चेंजेस मैं करूँ वो लेआउट 2 पर होगा। और जब कभी मुझे ओरिजिनल सेटअप करना है, मतलब ओरिजिनल सेटअप का उपयोग करना है, तो मैं लेआउट 1 का उपयोग कर सकता हूँ। तो चलिए, अब ये जो कंट्रोल्स है इसे मैं कस्टमाइज़ करता हूँ। बेसिकली जो दो कंट्रोल्स हैं, एक तो है जो ट्रिगर फायरिंग बटन है उसे, ये वाला जो बटन है ये देखिए, आमतौर पे आप इस बटन का उपयोग करते हैं, तो इसे मैं ऊपर की तरफ लेके आता हूँ जहाँ पर जो ट्रिगर बटन है वो दबने वाला है। तो वो उस पोजीशन में जाके मुझे उसे सेट करना है। ये देखिए, ये वाला जो बटन है ये भी फायरिंग के लिए है, लेकिन मैं इसे यहाँ पर रहने देता हूँ। जो दूसरा बटन है जिससे स्कोप मिलता है, मतलब टारगेटिंग आपको आसानी हो जाती है, जो स्कोप बटन है, तो उसे मैंने ऊपर मूव कर दिया है। तो बस ये सेटिंग्स की हुई है और अब मैं ये जो सेटअप है इसे सेव कर देता हूँ। ये लीजिए, तो ट्रिगर और स्कोप का बटन मैंने ऊपर मूव कर दिया है जहाँ पर मैं जो ट्रिगर का जो मॉड्यूल है वो कनेक्ट करने वाला हूँ। तो ये लीजिए, सेटअप हो गया है और अब मैं इस सेटअप के बाहर आ जाता हूँ और जो ट्रिगर बटन है उसे पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं फ़िलहाल स्टार्ट कर सकता हूँ। ये लीजिए, मैं स्टार्ट कर देता हूँ और जब तक ये गेम लोड हो रहा है तब तक मैं जो बटन्स है उसे लगा देता हूँ। ये देखिए, ये है ट्रिगर बटन, इसे मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ और इस प्रकार से इसे लॉक कर सकते हैं। अब पोको F1 पर लगाने का फ़ायदा ये है कि इसका जो बैक है वो बहुत ही अच्छा ग्रिप देता है, तो ये जो ट्रिगर बटन है ये स्किड नहीं होता है। ये देखिए, अच्छी तरीके से लॉक हो गया है, मूव नहीं करता है। जो ट्रिगर का आइकन मैंने ऊपर मूव किया था उसे बटन के साथ में मैच कर लीजिए ताकि बटन प्रेस करते ही
देखिए किस प्रकार से काम कर रहा है। तो ये एक तरह से डेडिकेटेड बटन मिल गया है, एक्सटर्नल बटन कह सकते हैं पबजी गेम के लिए। जो दूसरा बटन है स्कोप के लिए, उसे भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ, लेकिन उसके लिए गेम को शुरू होना पड़ेगा। ये लीजिए गेम शुरू हो गया है, और अब पहले मुझे लैंड करना पड़ेगा, उसके बाद में ही जो स्कोप का बटन है वो विजिबल होगा। तो ये लीजिए इसे मैं लैंड कर देता हूँ। ये जो गेम मैं खेल रहा हूँ ये आर्केड गेम है, मतलब कि आपको छोटा सा एरिया मिलता है और फटाफट गेम शुरू होता है, फटाफट ख़त्म भी हो जाता है। और अगर आप इस गेम में मर भी जाते हैं तो फिर से जंप करके फिर से आ सकते हैं, तो कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये लीजिए अब ये कैरेक्टर लैंड हो गया है, और मैं फटाफट जो स्कोप का बटन है उसके ऊपर जो डेडिकेटेड बटन है वो लगा देता हूँ। पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि कोई है तो नहीं है आजू बाजू, फिलहाल तो कोई नहीं दिख रहा है। जैसा कि मैंने कहा ये छोटा सा गेम है, और जो एरिया है वो भी बहुत ही छोटा सा आपको मिल जाता है। ये लीजिए अब ये एनिमी आ गया है, काफ़ी लेट हो गया है। चलिए अब ये जो बटन है उसे मैं लगा देता हूँ, और देख सकते हैं कि ये जो गेम है फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए फिर से मैं जंप कर रहा हूँ, तो जब तक ये जंप हो रहा है मैं ये बटन लगा देता हूँ यहाँ पर। तो इसे भी उसी प्रकार से लगाना है जिस प्रकार से मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर लगाया हुआ है। ये लीजिए मैंने दूसरा बटन भी लगा दिया है। अगर आप चाहें तो सिर्फ एक बटन का ही उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए तो जो राइट बटन है उससे स्कोप मिल जाता है, और जो लेफ़्ट बटन है वो फायरिंग के लिए है। तो चलिए अब ये गेम मैं कुछ देर खेलता हूँ। ये जो ट्रिगर बटन है ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि एक तो आपकी जो उंगली है वो ट्रिगर बटन पर हमेशा रहती है। अगर आप स्क्रीन पर ही ट्रिगर बटन का उपयोग करें तो आप स्क्रीन पर प्रेस करके नहीं रखते हैं, मतलब कि आपको जब भी फायरिंग करना है तभी आप टैप करते हैं। यहाँ पर ऐसा है कि आपकी उंगली ट्रिगर बटन पे है, तो आपको सिर्फ ट्रिगर को दबाना है, तो जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है इस ट्रिगर बटन से। अब बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रिगर बटन्स मार्केट में अवेलेबल है। ये वाला जो ट्रिगर बटन है, अगर आपने देखा होगा तो इसका जो ट्रिगर है ये स्मार्टफोन के पीछे साइड पर है, तो ऐसा लगता है कि जैसा कि आप रियल गन पकड़ रहे हैं उस प्रकार का ट्रिगर है। अब कुछ ट्रिगर बटन्स ऐसे आते हैं जिनका ट्रिगर स्मार्टफोन के ऊपर होता है, जो साइड्स है उनके ऊपर, वो भी अच्छे हैं, लेकिन ये वाला जो ट्रिगर बटन है जो पीछे की तरफ है वो आपको एक रियलिस्टिक फील देता है। इस ट्रिगर बटन से वाकई में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये देखिए बड़ी आसानी से शूट कर सकते हैं, और आपका जो हाथों का कंट्रोल है जो स्क्रीन पर है वो वैसे का वैसा ही है, लेकिन जब ट्रिगर प्रेस करना है तो मैं जो बटन है पीछे की तरफ उसे प्रेस करता हूँ। वैसे आपको दो ट्रिगर बटन्स मिलते हैं, एक तो फायरिंग के लिए है, दूसरा स्कोप के लिए है। अगर आप चाहें तो सिर्फ एक बटन का ही उपयोग कर सकते हैं जो फायरिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा अलग अलग स्टाइल के और अलग अलग टाइप के ट्रिगर बटन्स अवेलेबल है जो खास पबजी गेम के लिए बनाया हुआ है। और ये जो ट्रिगर बटन है इसकी कीमत है 250 रुपये के आसपास, जहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं गियरबेस से। उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अन्य जो ट्रिगर बटन्स हैं उनका लिंक भी दिया हुआ है, तो आपको जो भी पसंद आया आप उसके लिए जा सकते हैं। और इसके ऊपर आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगने वाली है, आप नॉर्मल शिपिंग का उपयोग कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसे भी एनेबल कर दीजिए, और देखते रहिए।